नमस्कार, स्वागत है आपका विंध्य भारत में। मैं आपके साथ अंशिता गुप्ता। शुरुआत करते हैं खास खबर के साथ। मकर संक्रांति के दिन गुड़ का सेवन किया जाता है, इसका जिक्र शास्त्रों में भी है। ज्योतिष भी मानते हैं इस दिन गुड़ और तिल का उपयोग किसी न किसी रूप में करना चाहिए। आइए आपको दिखाते हैं लाई के लड्डू कैसे बनाते हैं, आप भी घर पर बना सकते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं विंध्य भारत, मैं जावेद अंसारी राजेश विश्वकर्मा के साथ। मैं आपको आपके टीवी स्क्रीन पर दिखाना चाहूँगा। यहाँ पर मकर संक्रांति आने वाली है, मकर संक्रांति कल है। बिल्कुल इसका सीधा सा मतलब है, जैसा कि शास्त्रों में भी है, मकर संक्रांति के दिन गुड़ का सेवन करते हैं, तिल का सेवन करते हैं। यहाँ पर तमाम, जहाँ तक आपकी नज़र आपके टीवी स्क्रीन पर जा रही होगी, लाई ही बन रही है, तिल के लड्डू बन रहे हैं। आज हम आपको दिखाएंगे आप घर में तिल के लड्डू कैसे बना सकते हैं। आप अपने टीवी स्क्रीन पर देखिए, एक कढ़ाई, आग जला के कढ़ाई रख दी गई, उसमें पानी डाल दिया गया थोड़ा सा, उसके बाद उसमें गुड़ डाला गया। दूसरी तरफ बड़ी कढ़ा में भी गुड़ को भिगो दिया गया है और गुड़ को फोड़ा जा रहा है। लाई का स्टॉक कर लिया गया है, लाई को साफ़ सुथरा किया जा रहा है। इसका सीधा सा मतलब है, कच्चा मटेरियल पूरी तरीके से तैयार कर लिया गया है। अब धीरे धीरे यहाँ पर गुड़ को पकाया जाएगा। जैसे ही यहाँ पर गुड़ लाल हो जाएगा उसका, ये बताइए क्या नाम है आपका? अंकित जसवाल। अंकित जी, ये गुड़ कब तक पकाया जाएगा, इसको पूरा प्रोसेस जरा बताइए। मुश्किल से 10 मिनट तक, जब तक ये पक के गाढ़ा नहीं हो जाएगा। पक के गाढ़ा नहीं हो जाएगा। कहते हैं कि घर में अगर तिल का लड्डू या लाई बनाओ तो किन चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए, कैसे बनाएंगे, जरा घर में हमें बनाना है उसको तरीका बता दीजिए। ये तो बहुत सरल है, आग लगाइए, फिर कढ़ाई चढ़ाइए, इसके बाद पानी डाल के, गुड़ डाल के, इसके बाद पका दीजिए। बस जब पक जाएगा तो इसके साथ मिला दीजिएगा। कब तक पकाते हैं गुड़ को? मुश्किल से जितना आग जल्दी हो जाएगी उतना जल्दी। कितना गाढ़ा रखते हैं? मुश्किल से पानी जलने के बाद वो गाढ़ा अपने आप हो जाएगा गुड़। जैसे ही गुड़ गाढ़ा हो जाए उसको आप लाई में मिला दीजिए और उसके धीरे धीरे हाथ में पानी लगा के लड्डू बना लीजिए, जैसा कि मैं आपको यहाँ पर दिखाऊँ। ये यहाँ पर एक प्रोसेस ये आ गया है, लाई को लड्डू से मिला दिया गया है। अब यहाँ पर लड्डू बनाने की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। लड्डू ये बताइए, जैसे लड्डू आप बनाते हो जी, तो जी। क्या इसमें हाथ में पानी लगाते हैं, क्या करते हैं, कैसे बनाते हैं? पानी तेल दोनों लगाते हैं। आप बताइए। पानी या तेल दोनों लगाए, उससे क्या होता है? उससे हाथ में चिपके नहीं। हाथ में पानी और तेल लगा लीजिए, उसके बाद लड्डू बन जाएगा। इस वो लड्डू बनाने के लिए हाथ में पानी और तेल लगाने की एक छोटी सी वजह, हाथ में आपके बिल्कुल नहीं लगेगा, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। लड्डू बनाने के बाद अपना हाथ दिखाइए, ये लड्डू इनने फेंका और हाथ पूरी तरीके से साफ है। सीधा सा मतलब है, कल मकर संक्रांति है, आप अपने घर में तिल का लड्डू या लाई के लड्डू बना सकते हैं। फिलहाल आज की खबर में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबर के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ। नमस्कार।